हाय फ्रेंड, मिली किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं बनाने जा रही हूँ तूत रेसिपी। हमारे यहाँ इसको तूत कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे बताइएगा। शहतूत की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ जैम। आप सब ने शहतूत जरूर खाया होगा कभी न कभी, मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए बनाते हैं। ये शहतूत का पेड़ है, अगर आपको मिल जाए तो इसकी तोड़ लीजिए। इसको जो ये देखिए इस तरह से होता है, ये पेड़ों पे गुच्छे के रूप में होता है। और ये लाल वाला जो है वो खट्टा है, और जो डार्क कलर का दिख रहा है ये पका हुआ है। इसके बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत टेस्टी होता है ये। इसको अच्छी तरह से छान लीजिए, हाथों से मत छानिए नहीं तो ये मसल जाएगा एकदम, और हाथों में लग जाता है इसका कलर। अब इसको मैं मिक्सी में डालूंगी। तो एक कप मैंने शहतूत लिया है और एक कप ही मैंने इसमें चीनी डाली है। शहतूत बहुत हेल्दी होते हैं, इनका ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अब मैं इसको कढ़ाई में डाल दूंगी, और कढ़ाई में डाल के 2 से 3 मिनट तक पकाना है। ज़्यादा नहीं पकाना है नहीं तो एकदम थिक हो जाएगा। 2 मिनट होने के बाद आपको इसमें नींबू डाल देना है। देखिए ये गाढ़ा होने लगा है, और अब हम इसको एक मिनट और पकाएंगे। और पकाने के बाद मैं इसको टेस्ट करूंगी। प्लेट में डाल के और इसको फ्रिज में रख देना है। देखिए मैंने प्लेट में डाल के फ्रिज में रख दिया था, उसके बाद चेक किया तो ये एकदम गाढ़ा है, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा, मतलब हमारा जैम बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें नींबू डालेंगे। नींबू ठंडा होने के बाद ही डालना चाहिए। कढ़ाई हल्की गर्म ही है तो नींबू डाल के मिक्स कर दीजिए, और ये इसको ज़्यादा पकाइए मत नींबू डालने के बाद। और ठंडा होने के बाद ही आपको इसको जार में डालना है, और कांच का जार ले लीजिए। उसको अच्छे से गर्म पानी में धो दीजिए, धो के सुखाने के बाद ही उसके अंदर ये जैम रखना है। बहुत अच्छा बना है हमारा जैम। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।